हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वो एग्जाम्स बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी सी साट हो या फिर प्लेसमेंट ट्रेनिंग्स हो, हर एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप बैंक एग्जाम्स की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और जब भी किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट में अगर ब्लड रिलेशन इन्वॉल्व होता है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है। तो देखते हैं इस कुछ टफ क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सिंपल तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, राइट? ओके, सो अब देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू बी एन डब्ल्यू 8 लोग हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। तो अब देखिए सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है, तो आप सर्कुलर टेबल ड्रॉ कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा 2 सर्कुलर टेबल ड्रॉ कीजिएगा, ताकि आपका जो क्या है, जो प्लेसमेंट हो, जो आप लोगों को यहाँ पे प्लेस करेंगे टेबल पे, वो जो है आपका मिस्टेप नहीं हो, इजीली आपको आंसर्स मिल जाए, राइट? तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 8 लोगों को प्लेस कर लिया है, राइट? ओके, ऑल आर फेसिंग सेंटर। अगर ऑल आर फेसिंग सेंटर है तब चीज़ें आसान हो जाती है। ऑल आर फेसिंग सेंटर का मतलब होता है कि सभी क्या है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ये हमारा राइट साइड और ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाता है, राइट? ओके, अब देखिए 2 में से 1 डायग्राम तो गलत होगा, लेकिन हम लोग अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या है, 8 लोगों को यहाँ पे प्लेस करके देखते हैं, उसके बाद ही हम लोग बता पाएंगे, राइट? ओके, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ब्लड रिलेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो आप क्या कीजिए, ब्लड रिलेशन का एक ट्री आपको बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, राइट? ओके, अब देखिए द हस्बैंड ऑफ वी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू हु सिट्स बिटवीन 2 मेल। अब देखिए इसको देख के आप बता सकते हैं कि ये क्या है, एक कन्फर्म्ड स्टेटमेंट है, राइट? इसको हम लोग आसानी से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, राइट? ओके, अब हस्बैंड ऑफ वी जो है वो बैठता है सेकेंड राइट ऑफ क्यू। अब देखिए क्यू को हम लोग कहीं भी बैठा सकते हैं, 8 प्लेस है, तो क्यू को हम लोग यहाँ पे बैठा देते हैं। अब देखिए फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, सेकेंड राइट में हस्बैंड ऑफ वी हो जाएगा, यहाँ भी सेम चीज़, क्यू ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड ऑफ वी हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा हो गया। टी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉटर ऑफ एस। अब देखिए टी को बैठाने के लिए यहाँ पे हमारे पास कितने प्लेस है, 7 प्लेस है, क्यू छोड़ के जितने भी प्लेस हैं हम लोग वहाँ पे टी को प्लेस कर सकते हैं। तो अभी जो ये एक नॉन कन्फर्म्ड स्टेटमेंट हो गया, हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे प्लेस करना है, तो ये क्या है, कन्फर्म्ड स्टेटमेंट नहीं है, हम लोग इसको अभी प्लेस नहीं करेंगे सर्कुलर टेबल में, मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। टी इज सिस्टर ऑफ यू, ये देखिए यहाँ से क्या एक ब्लड रिलेशन ट्री बनने जा रहा है। टी जो क्या है वो सिस्टर है यू का, तो ये देखिए सिस्टर का मतलब टी क्या, फीमेल हो गया, राइट? ओके, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दिया गया था, क्यू हु सिट्स बिटवीन 2 मेल्स, मतलब क्यू जो है वो 2 मेल के बीच में बैठ रहा है। अगर मेल है तो प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल है तो निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ओके, अब देखिए टी इज सिस्टर ऑफ यू मीन्स टी फीमेल, बट नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ वी इज हस्बैंड। टी ही सिस्टर ऑफ यू बट नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ विच हस्बैंड, ये क्या हुआ, एक कन्फर्म्ड स्टेटमेंट हो गया। और यहाँ से क्या कहा जा रहा है कि टी जो इमीडिएट नेबर ऑफ वी हस्बैंड नहीं है, राइट? ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब टी को जो है यहाँ पे नहीं प्लेस कर सकते हैं, टी को यहाँ पे भी नहीं प्लेस कर सकते हैं। नेबर मतलब ये जो हस्बैंड ऑफ वी का नेबर, एक ये हुआ एक ये हुआ, तो यहाँ पे तो हम लोग प्लेस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टी क्या है, फीमेल है। जब टी फीमेल है तो यहाँ पे प्लेस करने का कोई चांस ही नहीं बनता है, राइट? ओके, तो ये जो क्या था, एक कॉन्फर्म्ड स्टेटमेंट था, इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर लिया, राइट? ओके, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड टी। अब देखिए सिर्फ एक जो है वो क्या है, पी एंड टी के बीच में बैठता है, राइट? ओके, तो अब देखिए अब पी को आपको यहाँ पे प्लेस करने के बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, देखते हैं कुछ ऑप्शंस। तो देखिए पी को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैठा सकते हैं, पी को आप यहाँ पे बैठा सकते हैं। अब देखिए अगर आप पी को यहाँ पे बैठाएंगे तो टी ऑटोमेटिकली यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, आपसे क्लियरली बोला गया है कि टी यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, और टी यहाँ भी नहीं बैठ सकता है। आप पूछ सकते हैं सर क्यों, क्योंकि टी फीमेल है, अगर टी फीमेल है तो आप यहाँ पे कैसे बैठा दीजिएगा, तो पी को यहाँ पे प्लेस करने का एक ऑप्शन आपका ख़त्म हो जाता है। अब आपके पास पी को कहाँ पे बैठा सकते हैं, अब हम लोग पी को एक यहाँ पे बैठा सकते हैं, तो अगर आप पी को यहाँ बैठाएंगे तो टी यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड टी। तो अगर आप पी को यहाँ बैठाते हैं तो टी क्या है, आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैठ जाता है, राइट? टी फीमेल है, माइनस साइन दे दीजिए यहाँ पे, राइट? ओके, अब देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होगा, पी को आप क्या है यहाँ पे बैठा सकते हैं। देखिए पी को आप क्या है यहाँ पे बैठा सकते हैं, अगर आप पी को यहाँ पे बैठाते हैं
तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपका टी यहाँ पे बैठ जाएगा, राइट। तो आपका एक ऑप्शन ये हो जाता है, राइट, ओके। उसके बाद आप बोलिएगा सर एक ऑप्शन और है हमारे पास, हम लोग पी को यहाँ बैठा देते हैं और तब हम लोग टी को यहाँ बैठा देते हैं। हाँ, तो वो भी हमारा क्या है, एक ऑप्शन बन जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन जो है आपको क्या है आगे चल के गलत होगा, वो मैं आपको थोड़े देर में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पी एंड टी को यहाँ पे क्यों प्लेस नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, अगर पी को यहाँ बैठाते हैं तो टी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, लेकिन टी क्या है, फीमेल है, तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं, राइट, ओके। तो बोल सकते हैं कि हमारा ये भी क्या था, एक कन्फर्म्ड स्टेटमेंट था जिसको हम लोगों ने प्लेस कर लिया है, राइट, ओके। अब देखिए, पी इज फादर ऑफ यू, पी जो क्या है वो यू का फादर है, राइट, ओके। इस हु इज ब्रदर ऑफ वी, तो देखिए यहाँ पे हमने पी को क्या है माना है हस्बैंड ऑफ वी, सो अगर पी क्या है अगर हस्बैंड ऑफ वी हो जाता है तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। सो पी इज हस्बैंड ऑफ वी, तो एनी वे ये फीमेल था, तो पी को आपको ऐसे बैठाना पड़ेगा, राइट, ओके। सो पी इज फादर ऑफ एस, एस हु इज ब्रदर ऑफ वी, एस हु इज ब्रदर ऑफ वी, तो एस क्या है यहाँ पे हमारा आ जाता है, राइट, ओके। अब देखिए, एस इज ब्रदर ऑफ वी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर। अब देखिए, एस क्या है वी का ब्रदर है और एस क्या है सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर, राइट, ओके। और आपको एक इन्फॉर्मेशन और दिया गया था, टी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉटर ऑफ एस, टी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉटर ऑफ एस। तो अगर टी यहाँ बैठाते हैं तो डॉटर ऑफ एस क्या होगा, डॉटर ऑफ एस होगा यहाँ पे, डॉटर ऑफ एस, राइट। अगर टी को आप यहाँ पे बैठाते हैं तो डॉटर ऑफ एस कहाँ पे हो जाएगा, तो डॉटर ऑफ एस हो जाएगा यहाँ पे, डॉटर ऑफ एस हो जाएगा यहाँ पे, राइट, ओके। अगर डॉटर ऑफ एस यहाँ पे है तो डॉटर ऑफ एस क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, राइट। डॉटर ऑफ एस क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो हम लोगों ने ये डायग्राम लिया था वो क्या है हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डॉटर, लेकिन डॉटर क्या हो गई, फीमेल हो गई, और यहाँ पे क्या है मेल को ही बैठना है, तो ये हमारा डायग्राम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, राइट। ये हमारा डायग्राम क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डॉटर ऑफ एस क्या यहाँ बैठेगा, तो ये भी हमारा एक कन्फर्म्ड स्टेटमेंट था, प्लेस हो चुका है, राइट, ओके। अब देखिए, एस हु इज ब्रदर ऑफ वी सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर। अब देखिए, एस जो है इमीडिएट क्या है, लेफ्ट ऑफ हिज मदर, अब इसको कहाँ पे बैठाएं, तो देखिए आपके पास जो भी चॉइस है वहाँ पे आप डाल के देख लीजिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एस को जा रहे हैं बैठाने यहाँ पे, तो एस को यहाँ पे बैठा सकते हैं, हाँ एक चॉइस है, क्योंकि एस क्या है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर, तो क्यों क्या है उसकी माँ हो सकती है, तो एस को हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं, और एस क्या है मेल भी है, राइट, ओके। दूसरा चॉइस, एस को अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, एस को अगर हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं तो एस क्या है सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर, बट यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है हस्बैंड ऑफ क्या है वी है, तो ये क्या होगा प्लस साइन होगा, हस्बैंड ऑफ वी मीन्स प्लस साइन, तो एस यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, राइट, ओके। अब देखिए एस को हम लोग क्या, अगर एस को हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं, अगर हम लोग एस को यहाँ बैठाते हैं तो एस क्या है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हिज मदर, बट आप देख सकते हैं कि एस क्या है और टी क्या है, टी एस का आप बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टी क्या है इसकी नीस है, तो यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता है एस, राइट, ओके। तो आपके पास बस एक ही चॉइस है, एस को आपको यहाँ ही बैठाना पड़ेगा, तो एस क्या हो जाएगा, एस की मदर क्या हो जाएगी, क्यू। तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर आपको दिखाना पड़ेगा कि क्यू क्या है इसकी मदर है, राइट, इसकी मदर मतलब वी की भी मदर हो जाती है, राइट, ओके। तो ये भी हमारा क्या था, एक कन्फर्म्ड स्टेटमेंट था, इसको हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर लिया है, राइट, ओके। नाउ ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वीज मदर एंड डब्लू, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वीज मदर एंड डब्लू, तो वी की माँ क्या हो गई, वी की माँ हो गई क्यू, तो क्यू और डब्लू के बीच में एक आदमी बैठता है, तो क्यू यहाँ पे हो गई, तो डब्लू को यहाँ पे बैठना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि डॉटर ऑफ एस क्या है, डॉटर ऑफ एस है डब्लू। अब देखिए यहाँ पे तीन और दो पाँच लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं, राइट, ओके। सो डॉटर ऑफ यहाँ पे क्या हो गया आपका, डॉटर ऑफ एस क्या हो गया, डब्लू हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डॉटर ऑफ एस इज डब्लू, राइट, ओके। यहाँ पे इसको हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, ओके। तो ये भी जो हमारा था वो क्या हो गया, यहाँ पे जो स्टेटमेंट था वो कंप्लीट हो गया। नाउ ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड यू, यू इज मदर ऑफ आर। अब देखिए यू क्या है, आर की मदर है, राइट, यू इज मदर ऑफ आर एंड इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्लू। यू क्या है इमीडिएट नंबर ऑफ डब्ल्यू नहीं है, मतलब यू क्या है यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, राइट, ओके। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड यू, राइट, ओके। तो यू फीमेल है, तो अब देखिए वी एंड यू को हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं। अब देखिए बस हमारे पास एक ये जगह और एक ये जगह बैठा बचा हुआ है, राइट, ओके। यू फीमेल है तो आपको यू को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा
और आपको भी को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। यू को हम लोग यहाँ प्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यू क्या है, वो डब्ल्यू का नेबर नहीं है, तो भी एंड यू को हम लोग को यहीं पे प्लेस करना पड़ेगा। अब देखिए कौन बचा, आर बचा, तो आर को क्या है हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इस तरह से जो हमारा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट विद ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है तो इस डायग्राम को मैं दूसरे पेज पर ड्रॉ करूँगा और कुछ क्वेश्चन को वहाँ पर हम लोग आंसर करते हैं, राइट। ओके, अब देखिए जो हमारा डायग्राम है वो डायग्राम कुछ इस तरह का है, यहाँ पे टी बैठ रहा है, यहाँ पे क्यू बैठ रहा है और फिर यहाँ पे आपको छः लोग और हैं, यहाँ पे यू, यहाँ पे आपको पी हो गया और यहाँ पे आपको वी हो गया और यहाँ पे हमारा एस हो गया और यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया। और अगर ब्लड रिलेशन ट्री की बात करें तो ये क्यू क्या हो गई, फीमेल, क्यू जो है आप बोल सकते हैं कि वी की माँ और एस क्या है, वी का ब्रदर और यहाँ पे वी का हस्बैंड पी और यहाँ पे यू हो जाता है, यहाँ पे आर हो जाता है और इस और यहाँ पे ये क्या है, टी क्या है, यू की सिस्टर और यहाँ पे डब्ल्यू क्या है, इसकी डॉटर। तो ये हमारा ब्लड रिलेशन ट्री हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर अगर आप देखेंगे तो वो कौन है, टी, राइट। सो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर जो है वो क्या है, टी है और आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे टी और यही क्या जगह हमारा आंसर हो जाता है। और टी क्या है आर की, सो टी जो है वो क्या हो जाएगी, आंट ऑफ आर। तो आपको क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिए हो सकते हैं तो आप दोनों में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आर के लेफ्ट में टी है या आप बोल सकते हैं कि आंट ऑफ आर है, राइट। ओके, दूसरा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज डॉटर ऑफ एस, सो डॉटर ऑफ एस कौन है, डब्ल्यू है, तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर नेबर ऑफ टी, सो नेबर ऑफ टी हमारा जो क्या है, आर है एंड यू है और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, जो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जो ब्लड रिलेशन के ऊपर बेस्ड था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।